खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। एबीपी न्यूज पर अपने शो संविधान की शपथ के साथ हाजिर हूं रुमाना इसार खान। आप सभी दर्शकों का बहुत शुक्रिया, आपकी पसंद ने संविधान की शपथ को फिर से बनाया है नंबर वन शो। हमारी ये कोशिश रहेगी आगे भी आपका साथ यूं ही बना रहे। देखिए, देश में नागरिकता कानून पर इस समय आर पार है और इस माहौल में प्रियंका गांधी ने भगवा के जरिए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को घेरा है। दिन में योगी को भगवा का मतलब समझा रही प्रियंका ने रात को 1 बजे शक्ति साधना का मंत्र ट्वीट कर दिया। अब बीजेपी भी प्रियंका को सीख दे रही है, आप भी भगवा पहनिए, सद्बुद्धि मिलेगी। सवाल यह है कि आखिर सियासत को भगवा पर क्यों लाई प्रियंका गांधी? क्या नागरिकता का सिर्फ नाम है, भगवा पर ही असली घमासान है? नागरिकता का नाम, भगवा पर घमासान। भगवा हिंदुस्तान की धार्मिक आध्यात्मिक परंपरा का है। भगवा धर्म पे, भगवा झोले पे, हिंदू धर्म पे आक्षेप लगाना ये कांग्रेस की आदत बन चुकी है। भारत का रंग तिरंगा है झंडे का, कोई एक रंग में नहीं कर पाएगा। ज्ञान देने के पहले लोगों को याद करना चाहिए कि भगवा को कितनी गालियां कांग्रेस दे चुकी है। प्रियंका गांधी का वार, बीजेपी का पलटवार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने योगी के वस्त्र धारण किए, भगवा धारण किया, ये भगवा आपका नहीं है, ये भगवा हिंदुस्तान की धार्मिक आध्यात्मिक परंपरा का। उस धर्म में रंज, हिंसा और बदले की भावना की कोई जगह नहीं। आज आप स्वीकार कर रही हैं कि ये सबका है, पूरे देश का है, आध्यात्मिक है, तो हम तो स्वागत करेंगे और ये भी चाहेंगे कि आप भी पहनिए, तो बड़ा अच्छा रंग है, इसको पहनेंगे तो आपको भी सद्बुद्धि मिलेगी, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। हिंदुत्व के नाम पर शुरू हुआ राजनीतिक संग्राम। अब वो जो उन्होंने कहा है उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लग रहा है जैसे वो चोरी करते रंगे हाथ पकड़े। उस बयान को डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं मुख्यमंत्री के कोई भी। जिस भगवा को कांग्रेस ने आतंकवाद का दर्जा दिया, जिस भगवा को कई बार गालियां सुनना पड़ा कांग्रेस की ओर से, ज्ञान देने के पहले लोगों को याद करना चाहिए कि भगवा को कितनी गालियां कांग्रेस दे चुकी है। प्रियंका के बाद अखिलेश का भी बीजेपी पर हल्ला बोल। भारत का रंग तिरंगा है झंडे का, ये तिरंगा ही रहेगा, कोई एक रंग में नहीं कर पाएगा, ये भारत देश की जनता जानती है। नागरिकता की लड़ाई भगवा पर आई। आपका परिचय कराते हैं, खास मेहमान आज की इस चर्चा में हमारे साथ जो शिरकत कर रहे हैं, बीजेपी की तरफ से पार्टी की प्रवक्ता अनिला सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, शुभ्रांश राय लेखक हैं वो इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर संगीत रागी साहब स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं और बीएसपी के नेता धर्मवीर चौधरी जी आज की इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं चर्चा शुरू करूं उससे पहले मुझे लगता है आप लोगों को जान लेना चाहिए कि देश में भगवा को लेकर राजनीति कब कब और किस किस तरीके से गरमाई है। ये कुछ इतिहास जो भगवा वाली राजनीति का मैं आपके सामने रखने जा रही हूं। 80 का जो दशक था उसके अंत के सालों में और 90 के दशक की शुरुआत के साल में मंडल के, देखिए एक तो जवाब में कमंडल की राजनीति जो गरमाई, फिर राम मंदिर का आंदोलन, लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के कद्दावर नेता रथ यात्रा लेकर निकले, फिर 2000 के दशक की अगर बात की जाए तो कांग्रेस राज में वो जो भगवा आतंकवाद शब्द सामने निकल कर आया ना, उसे लेकर राजनीति खूब गरमाई। अच्छा, राम सेतु पर जो हलफनामा कांग्रेस पार्टी ने दिया, यूपीए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया, उसमें राम के अस्तित्व को जब नकारा गया तब भी राजनीति हिंदुत्व वाली भगवा वाली खूब गरमाई। और अब एक बार फिर से प्रियंका गांधी का ये बयान जब वो सीख दे रही हैं खुद भगवाधारी उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को भगवा पर, तो राजनीति गरमा गई है। हम लिए चलते हैं आपको मेहमानों के पास और सबसे पहले शुभ्रांश आपसे जानना और समझना चाहती हूं कि संविधान का पाठ पढ़ाते पढ़ाते ये भगवा का पाठ पढ़ाने की जरूरत क्यों महसूस हो गई प्रियंका गांधी को?
देखिए रोमाना जी, दो तीन बड़ी बड़ी बातें हैं जिसको आपको भी समझना होगा और आपके माध्यम से करोड़ों हिंदुस्तानियों को समझना होगा जो अभी एबीपी न्यूज देख रहे हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि भगवा एक विचार है। हिंदू संस्कृति को जानने और मानने वाले लोगों के लिए भगवा एक विचार है। ये वाक्य उत्पन्न कहां से हुआ? जब एक साधु संत समाज और एक मठ का पीठाधीश्वर उस सर्वोच्च कुर्सी पे बैठा है जिसको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री पोस्ट कहा जाता है, तो हिंदुत्व की जो विचारधारा है वहां से वो समान धर्म, समान विचार, समान अस्तित्व, ये एक साधु का परम कर्तव्य होता है। एक साधु के लिए ना कोई धर्म से अलग होता है, क्योंकि किसी साधु के लिए कोई सामने खड़ा व्यक्ति का मजहब नहीं होता है। वो ये देखता है कि ईश्वर के बनाए हुए तमाम हर प्राणी का जाति धर्म संप्रदाय चाहे जैसा भी हो, लेकिन जब आपने उस परम मोक्ष को प्राप्त करने की मार्ग पे आप चले गए तो उसके लिए हर इंसान समान होता है। लेकिन यहाँ पे अलग हुआ कुछ। वो तमाम बच्चे जो यूनिवर्सिटियों में आंदोलन कर रहे थे इस काले कानून के खिलाफ, या इसके अलावा वो तमाम लोग चाहे वो किसी भी जाति धर्म संप्रदाय के हों, जब उन्होंने विरोध की राजनीति शुरू करी कि भाई हमें इस आपके कानून से विरोध है, उन्होंने विरोध किया, जहां एक बहुत बड़े समाज को, कुछ हिंदू थे उसमें बहुत ज्यादा संख्या में मुसलमान थे, जिनको जेलों में डाल दिया गया। अगर कोई दंगा भड़का या किसी भी वजह से वहां तोड़फोड़ की घटनाएं घटी जो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं था, जिस पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रिकवरी होनी चाहिए, करिए भाई, कोई बुराई नहीं है। लेकिन एक बात आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप रिकवरी करने या इस आंदोलनों को या इस उग्रवाद को या इस अलगाववादियों को या जो भी आप नए नए शब्द आप यूज करते हैं, ये आप दंगा करने वाले दंगाइयों की बात करते हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा कि दंगाइयों का कोई धर्म नहीं होता है। लेकिन खासकर आज के उत्तर प्रदेश में जो भी शोषण या जेल डालने की पॉलिसी है या रिकवरी करने की पॉलिसी है, इसमें मैक्सिमम अगर मैं बात करूं तो अधिकतम संख्या एक धर्म समाज की है, वो है इस्लाम की। शुभ्रांश, अब मैं आ जाऊं, आपने इतना लंबा चौड़ा भाषण दे दिया, मेरा सवाल तो वहीं का वहीं रह गया जी। आप मुझे ये बताइए कि संविधान से ऊपर आप लोगों के लिए अब हिंदुत्व की विचारधारा हो गई है? मतलब कांग्रेस के लिए संविधान से ऊपर हिंदुत्व की विचारधारा हो गई है? कांग्रेस को सीएम नजर नहीं आ रहा है, कांग्रेस को साधु नजर आ रहा है, और इसीलिए संविधान को किनारे रखकर अब प्रियंका गांधी जो हैं वो भगवा का पाठ पढ़ा रही हैं। आप ये बता रहे हैं देश को, ये है कांग्रेस पार्टी जो ज्ञान दे रही है कि आप धर्म के चश्मे से किसी को मत देखिए, और खुद आप एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को भगवा चोले के तौर पर देख रहे हैं, साधु के तौर पर देख रहे हैं, सीएम के तौर पर क्यों नहीं देख पा रहे साहब? संविधान को लेकर वार क्यों नहीं कर पा रहे साहब? यही तो मैं पूछ रही हूँ, प्रियंका गांधी को संविधान छोड़कर भगवा की ढाल लेने की जरूरत क्यों पड़ गई? रोमाना जी, इसके बिल्कुल दो बड़े कारण हैं। सबसे पहला और बड़ा कारण उस भगवा शब्द को यूज करने के पीछे ये था कि आप मुख्यमंत्री होने के नाते अब एक प्रचंड हिंदू हृदय सम्राट के रूप में आप प्रतिष्ठित हैं, जो एक मठाधीश्वर पद है। तो कहने का मतलब यह है कि हो सकता है एक राजनीतिक व्यक्ति जो होता है, जो संपूर्ण राजनीति का, उससे गलतियों की संभावना एक दो परसेंट हो सकती है, लेकिन आप तो उस धर्म के मुख्यमंत्री को यूपी के सीएम के तौर पर आप लोग गलती होने की संभावना ना के बराबर है, साधु के तौर पर देखते हैं। सुनिए, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि यूपी के सीएम के तौर पर भी सवाल पूछा जा सकता है ना, क्यों प्रियंका गांधी धर्म को लेकर आ रही है, क्यों प्रियंका गांधी भगवा को लेकर आ रही है? मेरा सवाल यह था सर, आपने जवाब नहीं दिया, मुझे कन्विंसिंग नहीं लगा आपका जवाब। मैं आगे बढ़ रही हूँ, मैं अनिला सिंह के पास जा रही हूँ, और आप ही के तर्क को आगे बढ़ाते हुए जा रही हूँ, आप ही के तर्क को आगे बढ़ाते हुए जा रही हूँ। आवाज कम कीजिए शुभ्रांश की। अनिला जी, आपको लेकर आना चाहती हूँ एक बात, जो यहाँ पर शुभ्रांश कह रहे हैं कि ये देखिए ना, सीएम ऐसा होता है क्या? सीएम जो ये कहे बदला लेंगे, बदला कैसे ले सकता है? संवैधानिक पद पर बैठा हुआ शख्स, और वो कह रहे हैं भगवाधारी शख्स, तो ये तो धर्म को भी बदनाम कर रहे हैं ना योगी आदित्यनाथ जी। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि प्रियंका वाड्रा अगर मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर जितने भी प्रहार करती हमें स्वीकार्य है, क्योंकि वो अपोजिशन में है और सत्ताधारी सरकार पर प्रहार करना, उनसे प्रश्न पूछना उनका ये अधिकार है और उसका उत्तर देना हमारा कर्तव्य है। परंतु इसके पीछे आप भगवा के ऊपर प्रहार करेंगी, भगवा के ऊपर प्रश्न लगाएंगी, तो फिर केवल भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, भगवा रंग को पूरा पूरा सम्मान देने वाले हर कौम, हर धर्म के लोग आपसे प्रश्न पूछेंगे। ये भगवा वो रंग है, चाहे वो हिंदू,
चाहे वो मुस्लिम, चाहे वो सिख, चाहे वो बौद्ध, सबके लिए एक सम्मानित रंग है। क्यों है मैं बता देती हूँ, भगवा रंग जो है शौर्य का है, वीरता का है, ये भगवान में, भगवा मेरे भगवान में है, भगवा मेरे भाग्य में है। भगवा जो है अग्नि का रंग है, ये वही अग्नि है जिसके जिसके जरिए जो है माँ सीता ने अपनी अग्नि परीक्षा दी थी। आप बात क्या करते हैं, भगवा रंग जो ठीक है मैडम, आपने जो बात कही है, आपने जो बात कही मुझे लगता है धर्मवीर जी के पास परिचय देना चाहिए। धर्मवीर जी जो बात यहाँ पर अनिला जी कह रही है कि समझिए इस बात को, भगवा जो है वो भारतीय संस्कृति के अंदर रचा बसा है। तो मेरा सवाल इसी से जुड़ा है, प्रियंका गांधी जो है वो ये बात समझ गई है? वो तो अपमान नहीं कर रही है ना, वो तो भगवा को लेकर योगी आदित्यनाथ को कटघरे में खड़ा कर रही है, वो तो भगवा को लेकर पाठ पढ़ा रही है योगी आदित्यनाथ को। राजनीति में भगवा क्या फायदेमंद है? इसी वजह से प्रियंका गांधी को भगवा पसंद है सर? रोमाना जी, देश में जाति धर्म कलर की राजनीति ना हो, बाबा साहब ने इसके लिए संसार का सबसे बड़ा संविधान इस देश में बनाया और देश में लागू हुआ। लेकिन यह देश का दुर्भाग्य है कि दो बड़ी पार्टियां इस देश की तुष्टीकरण की राजनीति में शामिल हो गई हैं, और जो 70 सालों से मंडी और फंडी इस देश को लूट रहे हैं, मंडी और फंडी, मैं कह रहा हूं मंडी और फंडी जो 70 सालों से लूट रहे हैं, वो उस लूट में अब प्रियंका गांधी को ये लगता है कि वो भी शामिल हो जाएं। और ये वो लोग हैं जो गणेश जी को दूध पिलाते हैं और दलित समाज के लोगों को, ओबीसी के लोगों को, अपने लोगों को संसद में भेजते हैं और ओबीसी और दलित समाज से कहते हैं कि आप मंदिर में जाके घंटा बजाइए और गणेश जी को दूध पिलाइए। तो ये जो मंडी फंडी और ये जो आरएसएस बीजेपी के लोग हैं, इन्होंने पूरे देश को जो है वो बना दिया है। क्या बना दिया है पूरे देश को? इन्होंने पूरे देश को संघ की शाखा बना दिया है और ये कहते हैं कि भगवा लेके घूमिए ना, आप रोजी रोटी की बात करिए ना, आप किसानों की बात करिए। ये देश को भ्रमित करके असल मुद्दों से भटकाने की चाल है और इस ट्रैप में प्रियंका गांधी फंस चुकी हैं। अच्छा, मैं संगीत रागी जी का रुख कर लेती हूँ। संगीत रागी जी, देखिए जो बात यहाँ पर कह रहे थे धर्मवीर जी, वो कह रहे हैं ये जो भगवा की राजनीति है तुष्टीकरण की राजनीति। तुष्टीकरण की राजनीति कहा इन्होंने, तुष्टीकरण किसका? मतलब क्या भगवा के नाम पर इस देश के 80% हिंदुओं की तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है? मतलब अब हिंदुओं का वोट पाने के लिए क्या नेता भगवा की राजनीति करेंगे सर? ये स्तर आ गया भारतीय राजनीति का। देखिए, पहली बात तो मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी को अपने परिवार में ही एक विरोधाभास और संकट का सामना झेलना पड़ रहा है। यही राहुल गांधी थे जो भगवा आतंकवाद, यही उनकी पार्टी थी जो भगवा आतंकवाद को लेकर के भगवा 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 रंग पर ही चिन्ह प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही थी। और दूसरी तरफ आज प्रियंका गांधी कह रही हैं कि भगवा जो है वो हमारे देश, संस्कृति और आध्यात्म का प्रतिबिंब है। तो मुझे लगता है कि उनको पहले अपने आप में सेटल करना चाहिए कि वो सही कर कहा कि कहीं राहुल गांधी और इनके बीच में लड़ाई चल रही है, क्या चल रही है मुझे नहीं मालूम है। अच्छा। अनुला जी ऐसा जिक्र कर रही थी, मुझे नहीं मालूम है इसके बारे में। दूसरी बात तुष्टीकरण की राजनीति, देखिए भगवान के जरिए तुष्टीकरण की राजनीति, देखिए हिंदुओं का तुष्टीकरण हो रहा है भगवान की राजनीति। अभी शुभ्रांश कह रहे थे कि हाँ। भाई उस पद पर वो बैठे हुए हैं, राजा जनक भी उस पद पर बैठे थे, राजा हुआ करते थे, योगी साथ में हुआ करते थे और योगी हैं इसी कारण से समदर्शी होकर के जो योगी का एक और भी कर्तव्य होता है कि जो भी राक्षसी वृत्ति का हो उसे दंडित करना आवश्यक है। विश्वामित्र ने दंडित किया, जितने भी दंडकारण्य के जितने लोग थे उन सबों को दंडित किया, उसके लिए राम का सहारा लिया। तो इस देश की ये परंपरा का हिस्सा है। योगी जी उन्हीं लोगों को दंडित कर रहे हैं जो अपराध कर रहे हैं, जो ट्रेन को जलाने हैं, जो दंगाई हैं, जो ये कर रहे हैं, उत्पात मचा रहे हैं। अब आप कह रहे हैं, मैं ये कह रही हूँ कि ये काम तो सीएम का भी है ना, सीएम को सीएम के तौर पर देखिए ना, सीएम को योगी के तौर पर क्यों देखा जाए, तो सीएम को भगवाधारी के तौर पर क्यों देखा जाए? रुमाना जी आपने बहुत अच्छा कहा, मैं तो सिर्फ इनके प्रश्नों का जवाब दे रहा हूँ। और आपने जो कहा, मैं जरा दर्शकों को ग्राफिक्स दिखा देती हूँ, क्योंकि अभी यहाँ पर संगीत रागी जी जो कह रहे थे कि कहीं परिवार में कोई विरोध तो नहीं है, प्रियंका गांधी जो कह रही है वो बिल्कुल अलग भाषा है जो कांग्रेस बोलती रही है। लेकिन देखिए, दरअसल प्रियंका गांधी जो कह रही है ना, वो कांग्रेस की बदलती धारा दिखाता है और ये धारा 2014 से बदली है।
ये देखिए 2014 में हार के बाद राहुल गांधी की ही मंदिर मंदिर वाली यात्रा शुरू हो गई थी और उसकी वजह यह कि एके एंटनी रिपोर्ट जो सामने निकल कर आई थी 2014 में हार का विश्लेषण करते हुए कांग्रेस की, जिस पर कभी औपचारिक तौर पर कांग्रेस पार्टी ने मोहर नहीं लगाई, उसमें कहा यह गया कि कांग्रेस की छवि जो है वो प्रो मुस्लिम बन गई है, उसका खमियाजा भुगतना पड़ा कांग्रेस को। अच्छा, कांग्रेस ने राहुल का जनेऊ तक दिखा दिया, गोत्र तक राहुल गांधी का कांग्रेस पार्टी की तरफ से बताया गया। इतना ही नहीं, खुद राहुल गांधी ने अपने आप को शिव भक्त बताया और शिव भक्त राहुल की कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी देश ने देखी। मैं एक छोटी सी बहुत छोटी अच्छा जल्दी से कह दीजिए, मैं कह रहा हूं कि जैसे ड्रामा में पात्र जो है वो शाहरुख खान का यदि नकल कर ले तो वो शाहरुख खान नहीं हो सकता, वैसे ही यदि कांग्रेस पार्टी जितना नहीं पेटेंट तो आरएसएस के पास है भगवे का, कोई दूसरा उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। प्रोफेसर रागी आप मुझे ये बताइए, आप प्रोफेसर हैं, 1 जनवरी 1601 आप अपनी बात रख सकते हैं। धर्मवीर जी एक मिनट, मुझे आना होगा क्योंकि आप देख रहे हैं धर्मवीर जी रागी जी चुप हो गए। सर यहाँ जब मैं चर्चा करती हूँ ना तो मैं आप लोगों को लड़ाना नहीं चाहती हूँ सर, मैं यहाँ हम लोग मुर्गों की लड़ाई नहीं कर रहे हैं सर, हम लोग मुर्गों की लड़ाई नहीं कर रहे हैं सर, हम लोग मुर्गों की लड़ाई नहीं कर रहे हैं, हम बहस कर रहे हैं सर, आराम से अपनी बात रखेंगे, रागी जी रखेंगे सर अपनी बात, उनकी बारी है सर, वो रखेंगे अपनी बात। थोड़ा सा सम्मान दीजिए दर्शक, दर्शक के समय को थोड़ा सम्मान दीजिए सर प्लीज। रागी जी आइए, बस 20 सेकंड लूंगा ज्यादा नहीं। पहली बात तो मैं ये कह रहा था कि कांग्रेस 6 साल से तो देश को बर्बाद कर रहे हो, 20 सेकंड क्या लोगे? कांग्रेस पार्टी यदि भगवा का ये करती है, आचरण करती है, तो मुझे नहीं लगता है कि लोग अच्छी तरह जानते हैं सच्चाई क्या है कांग्रेस पार्टी के साथ। दूसरी बात, ठीक है, आज अभी जो प्रियंका, जब आपके पास कोई नई बात रखने के लिए राजनीति में नहीं हो, नया प्रयोग करने के लिए नहीं हो, तो आप क्या करते हैं? हाँ। बार बार लौट करके उसी रास्ते पर आकर के घिस पिट जाए। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी घिसे पिटे उसी चीजों को लेकर के फिर से वहीं पर आ रही है, उसके पास नया कुछ करने के लिए नहीं है। और मैं चौधरी साहब से बिल्कुल सहमत हूँ, यदि उस लड़ाई को कुछ नई बात करने के लिए कांग्रेस पार्टी आती है। अच्छा, मुझे आपको रोकना पड़ेगा, ये तस्वीरें आ गई हैं, ये जो तस्वीरें हैं ये इस वक्त जश्न की तस्वीरें हैं, ये न्यूजीलैंड का शहर है ऑकलैंड, है ना, सबसे अद्भुत तस्वीरें जो हैं नए साल के जश्न की वो यही ऑकलैंड से सामने आती है। ये देखिए 8-7 काउंटडाउन चल रहा है, उल्टी गिनती, नया साल दस्तक देता हुआ दुनिया में न्यूजीलैंड का शहर ऑकलैंड, और ये लीजिए ढेरों बधाइयां, संविधान की शपथ शो देख रहे सभी दर्शकों को दुनिया ने ऑकलैंड में इस जबरदस्त अंदाज में नए साल की दस्तक दे दी है 2020 की। एबीपी न्यूज के सभी दर्शकों को, संविधान की शपथ शो के हमारे सभी दर्शकों को ढेरों शुभकामनाएं। ये नए साल की आतिशबाजी यूं ही न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में हर साल आतिशबाजी के साथ नए साल का स्वागत किया जाता है, और इस बार भी उसी तरीके की रंगारंग आतिशबाजी आप देख रहे हैं। ऑकलैंड से ये तस्वीरें दिल वो करने जी, इस साल की शुरुआत होगी तो हम दोबारा से आपके अपने दर्शकों को, एबीपी के दर्शकों को यहाँ से बधाई देंगे कि भारतीय साल को ही नई शुरुआत माना जाए। बिल्कुल सर, वो हमारे संस्कार परंपरा है, लेकिन साथ ही साथ हम दुनिया के साथ कदम ताल करके चलना भी हम जानते हैं, और यही हिंदुस्तानियों की खासियत है। ना हम अपनी संस्कृति भूलते हैं, ना हम अपनी परंपरा भूलते हैं, लेकिन किस तरीके से दुनिया के साथ सर मिलकर चलना है ये भी हम जानते हैं, और इसी वजह से रागी साहब बहुत 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 बधाई आपको, रागी साहब आपको बहुत बहुत बधाई 2020 की सर ऑकलैंड में दस्तक दे दिया है। हमारे यहाँ 12 बजने में वक्त है, जरा दिखा देते हैं तस्वीरें ऑकलैंड की।
कुछ इस अंदाज में नए साल ने दस्तक दे दी है और नए साल का ये इस्तकबाल, ये स्वागत जो न्यूजीलैंड के सबसे बड़े शहर ऑकलैंड में हर साल की तरह इस बार भी जबरदस्त रंगीली आतिशबाजी से किया गया। और फिर से लौटते हैं अपनी बहस में, क्योंकि यहाँ पर बयानों के पटाखे फूट रहे हैं। अभी अभी रागी जी ने जहां पर इस बहस को छोड़ा था, मैं शुभ्रांश के पास लेकर चलती हूँ बहस को। शुभ्रांश, एक बड़ा वैलिड पॉइंट जो संगीत रागी साहब ने उठाया और वो ये कि साहब आप ठीक है हिंदुत्व की बात करते हैं, लेकिन आप क्यों भूल जाते हैं, प्रियंका गांधी क्यों भूल जाती है कि ये हिंदुत्व की पिच तो दरअसल बीजेपी की अपनी पिच है ना, इस पर जब आप आकर खेलेंगे तो फिर कहां से आप सोच सकते हैं कि आप मैच जीतेंगे। राजनीति के मैच में तो फिर से मामला गोल हो जाएगा। देखिए रोमाना जी, ऐसा है कि हिंदुत्व और भगवा किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, पहली इंपॉर्टेंट बात। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कांग्रेस हिंदुत्व की नहीं, कांग्रेस हिंदुस्तान की राजनीति करती है। अगर आपने थोड़ा गौर फरमाया होगा तो ये वही कांग्रेस है जिसके रिजीम में राष्ट्रपति हिंदू थे, प्रधानमंत्री अति अल्पसंख्यक सरदार थे, रक्षा मंत्री उससे भी ज्यादा अति अल्पसंख्यक क्रिश्चियन थे, इस तरह तमाम धर्म संप्रदाय संभाव के लोग एक कैबिनेट और एक रिजीम में थे। पर ये आज वाली भाजपा नहीं है, साल में कांग्रेस के शासन में हुए माइनॉरिटीज के लोगों पर अत्याचार हुए, ये कांग्रेस का 60 साल और रही बात ये तस्तरी में सजा करके दे दी आरएसएस और बीजेपी के लोगों को। रणवीर जी, बारी बारी सबके पास आ रही हूँ सर, ये बहस ऐसी नहीं होती है। मुझे तो लग रहा है कि संविधान की शपथ आप भूल गए कैसे होती है सर। आराम से आपके पास आ जाऊंगी, बोलने दीजिए उनको पूरी बात। लेकिन शुभ्रांश, आप देखिए ना, प्रियंका गांधी मजबूर हो जाती है कहने के लिए भगवा आपका नहीं है। और मैं इसलिए कह रही हूं मजबूर हो जाती है कहने के लिए, क्योंकि सर हम कैसे भूल सकते हैं 2000 के दशक में यही कांग्रेस पार्टी के नेता जो रात दिन भगवा आतंकवाद का जिक्र करते थे। इसीलिए तो हैरानी होती है ना शुभ्रांश, इसीलिए पूछा जाता है कहां तो आतंकवाद का रंग भगवा हुआ करता था। और अब आप ये ज्ञान दे रहे हैं देश को कि भगवा किसी की बपौती नहीं है। शुभ्रांश, ऐसा है कि हम कोई बहस नहीं कर रहे, हम एक विचारधारा को रख रहे हैं। प्रियंका जी ने जो शब्द कहा, उनका कहना था कि हे माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आप उस संवैधानिक पोस्ट पे बैठने के साथ साथ एक पीठ के भी सर्वाधीश्वर है, तो कम से कम इंसानियत के नाते ही लोगों को देखिए। अगर बनारस में 1.5 साल की बच्ची घर पे बैठी है और उसके हिंदू माँ बाप शांति प्रिय मार्च और आंदोलन करने के कारण जेल में है, तो मानवता को सुनिए और सोचिए। एक बच्ची जो दूसरी लखनऊ में बैठी पड़ी और उसके माँ को आपने जेल में बंद कर दिया सिर्फ इस बात का हवाला देकर कि तुम्हारा धर्म वो नहीं है जिस धर्म को हम पसंद करते हैं, तो कम से कम सुनिए मैडम, सुनिए, यहाँ आप इस बात को अंदाजा लगाइए कि जो हमारा भगवा, मुझे अनिला जी के पास आना होगा, मुझे अनिला जी के पास आना होगा। लेकिन बात तो वही आकर टिकती है ना कि ये सब कहने के साथ साथ भगवाधारी भगवा का पाठ पढ़ाने की दिक्कत क्यों आ गई, सीधे सीएम को सीएम के तौर पर एड्रेस क्यों नहीं कर सकती थी प्रियंका गांधी, और रात में 1 बजे ट्वीट भी कर रही है, शक्ति साधना का मंत्र जो है वो भी ट्वीट कर दिया। बिल्कुल, डर तो नहीं लग रहा आपको अनिला जी? मैं उस पर आ रही हूँ। राय साहब, पहली बात तो आप सुन लीजिए, आप लोग जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को इतना सम्मान देते ही नहीं है। जिस प्रकार से आपने कहा कि प्रियंका वाड्रा की भावना ये थी, जो शब्दों का प्रयोग, इतने सम्मानित शब्दों का प्रयोग आपने किया, आप लोग गाली सुनाते हो। आपके जो नेता है ना हेमंत सोरेन, उसने क्या कहा, उन्होंने भगवाधारी मुख्यमंत्री को बलात्कारी तक कह दिया था। आप लोग उस राजनीतिक दल से आते हो, उन लोगों का हाथ पकड़ते हो कि जो भगवा पहनते हैं उनको बलात्कारी बताते हो आप। दूसरी बात रोमाना जी, अभी अभी आपने कहा कि आधी रात में प्रियंका वाड्रा ने, सुन लीजिए राय साहब, आप विचलित मत होइए, आप बोल रहे थे मैं शांति, अब मैं बोलूंगी और आप सुनेंगे, आप उत्तर दीजिएगा, आप उत्तर दीजिएगा, मैं आपको थामूंगी नहीं, मैं आपको थामूंगी नहीं, परंतु भगवा को मानने वाले, पूजने वाले, हर गांव का हर व्यक्ति आपको थामेगा। सुनिए, आधी रात को जो मंत्र, आधी रात को जो मंत्र उन्होंने ट्वीट किया, शक्ति का, माँ शक्ति का जो मंत्र उन्होंने ट्वीट किया, गलत, बिल्कुल गलत ट्वीट किया। और मुझे ये बता दे, आधी रात में कौन से यंत्र मंत्र तंत्र कर रही थी वो, और किसके ऊपर प्रयोग कर रही थी, और प्रयोग भी ऐसा
दिखाने के लिए कि भैया मैं ये पूजा पाठ करती हूँ, मंत्र उच्चारण करती हूँ, और वो भी गलत। अरे उल्टा पड़ गया, प्रियंका वाड्रा पे ये मंत्र उल्टा पड़ेगा। ठीक है, ये 2019 का आखिरी सूर्यास्त भी हम आपको दिखा रहे हैं, आखिरी सूर्यास्त देख लीजिए, ये 2019 का। मैं धर्मवीर जी आपके पास आ रही हूँ। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की राजनीति की अगर बात की जाए तो वहां पर क्या लग रहा है आपको? अब हिंदुत्व के इर्द गिर्द ही पूरी सियासी बिसात बिछाई जाएगी, तो ऐसे में बीएसपी क्या करेगी सर? रोमाना जी, कांग्रेस और बीजेपी के लोगों को बाबा साहब के संविधान को पुनः पढ़ने की आवश्यकता है। के बारे में बताइए, बाबा साहब के विषय में हमें भी भगवा भगवा पर मैं आता हूँ। मैं जरा, ये बीजेपी के दो लोग यहाँ बैठे हैं, संगीत रागी जी, प्रोफेसर साहब बैठे हैं। ये तो नहीं कहा ना भगवा का अपमान करो। नहीं नहीं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। बाबा साहब ने तो नहीं कहा ना भगवा का अपमान करो। आपने जो है इतिहास की बात की थी, भगवा को अछूत तो नहीं बताया बाबा साहब ने? जनवरी एक सर, बाबा साहब ने भगवा को अछूत एक जनवरी 1670 को वीर गोकुला जाट की शहादत हुई थी, औरंगजेब के द्वारा काट दिया गया था। कितने आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने वीरवर गोकुला की शताब्दी मनाई, उनके जन्मदिन पर, उनके बलिदान दिवस पर जो लड़ाई उन्होंने लड़ी थी। इनकी नीति और नियत में फर्क है, कांग्रेस की नीति और नीयत में फर्क है, बीजेपी की नीति नीयत में फर्क है। कहां उलझ गए, कहां उलझ गए सर? आज के मुद्दों पर बात कर लें, लोगों को आज के मुद्दों पर बात कर लें। बाकी साहब जल्दी से लास्ट पर बैठा ध्यान बांट करके सर, ये लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं। देखिए कांग्रेस ऐसा क्यों कर रही है? जल्दी से सर, कांग्रेस ऐसा इसलिए कर रही है कि अभी कांग्रेस पार्टी पूरे देश में एक ढंग से इसलिए बदनाम हो रही है कि वो पाकिस्तानी मुसलमानों को भारत में नागरिकता देने के लिए लड़ाई लड़ रही है। अच्छा, उससे उसकी जो छवि पर असर पड़ रहा है उसको कंपेंसेट करने के लिए ये भगवा के प्रति सॉफ्ट हो रही है। इनके बाद में भगवा का सॉफ्ट नहीं है। समय मेरे पास आज इतना ही है, समय मेरे पास आज इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज की इस चर्चा में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। और आज की इस चर्चा के बाद मेरी राय पर एक नजर जरूर डालिए कि आखिरकार नागरिकता की ये लड़ाई भगवा पर जिस तरीके से आई है, तो मेरी राय तो यही है कि वोट के लिए नागरिकता की ये लड़ाई संविधान से अब भगवा पर आ गई है। बहुत शुक्रिया आप सभी का संविधान की शपथ में हमारे साथ बने रहने के लिए।